हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चैम्फर कमांड के बारे में बात करेंगे ऑटोकैड में। तो जो चैम्फर कमांड के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी CHA एंटर। उसके बाद हमसे दो ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो हम डी एंटर करेंगे। पहले डिस्टेंस से बताता हूँ, फिर एंगल से बताऊंगा। डी एंटर, फिर स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस एंटर, सेकेंड डिस्टेंस एंटर, उसके बाद फर्स्ट लाइन एंटर और सेकंड लाइन एंटर। ओके, इसी तरीके से सेकंड है हमारा, सबसे पहले हम CHA एंटर करेंगे, उसके बाद A एंटर करेंगे एंगल के लिए, फिर लेंथ, फर्स्ट लाइन की लेंथ एंटर, उसके बाद हम एंटर करेंगे चैम्फर का एंगल। जो एंगल एंटर करना है, स्पेसिफाई एंगल ऑफ द चैम्फर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंटर, उसके बाद हम फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए इसे एक बार ऑटोकैड में देख लेते हैं ये कमांड किस तरीके से वर्क करती है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूं, एल एंटर। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम चैम्फर कमांड का यूज करेंगे। तो चैम्फर कमांड का यूज करने के लिए CHA एंटर, फिर हमें डी एंटर करना है, जैसा कि मैंने बताया था। सबसे पहले डिस्टेंस से बताऊंगा, उसके बाद एंगल से, फिर हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो यहां पे जैसे मैं इसे ले लेता हूं 30, और फिर पूछ रहा है हमसे स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, इसे मैं ले लेता हूं 60। ओके, तो अब ये पूछ रहा है फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट सेकंड लाइन, तो ये लाइन सेलेक्ट कर ली। तो आपने देखा यहाँ पे ये चेंज हो गया, ये चैम्फर कमांड का यूज से हमारा इधर लाइन चेंज हो गई। ओके, तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस से। अब हम बात करते हैं कि एंगल से चैम्फर कमांड का कैसे यूज है। तो CHA एंटर, उसके बाद जैसे बताया था A एंटर, अब हमें स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ, लेंथ एंटर करनी है, लेंथ मैंने एंटर कर दी 80 एंटर, उसके बाद एंगल एंटर करना है। तो एंगल एंटर करने के लिए एंगल हमारा हो जाएगा इसका 80 एंटर, ठीक है। तो ये देखिए चेंज हो गई। इस तरीके से हम चैम्फर कमांड का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने चैम्फर कमांड आपको बता दी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।